गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप आप भी अच्छे होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है, सुबह के लगभग 10 बजने वाले हैं और मौसम का जो ये हाल है, सुबह से बारिश लगी हुई थी, अभी मौसम साफ हो गया है और आज मुझे जाना है फिर से धान की मंडाई के लिए। हो सके आज धान की मंडाई वाला काम फाइनल हो जाएगा। तो कर लेते हैं एक नए दिन की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं पम्मी अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मीर पहाड़। रास्ते के बीचों बीच जो ये वाले खेत हैं, ये मंडवे के खेत हैं। आप देख सकते हैं कि मंडवा पकना शुरू हो गया है। जैसे ही धान का काम पूरा होता है उसके बाद मंडवा की लवाई होना शुरू हो जाएगा। कुछ तो काफी अच्छा पक गया है। ये देखो चुई मुई। पकड़ो तो जोर से छुई मुई और इसको यूं पकड़ के यूं फट जाता है। तो आज मुझे धान के मंडाई के लिए जहां जाना है वो दूसरी जगह जाना है, तो मुझे सीधे उसी रास्ते जाना है जिस रास्ते हम पहले स्कूल के लिए जाया करते थे। तो आज मुझे पहले से थोड़ा आगे जाना है, जहां मैंने पहले मंडाई की थी उससे आगे जाना है। ये है यहाँ का रास्ता। रास्ते में देख सकते हैं कि पेड़ों पर पुआल लगाई हुई है। जिन लोगों ने धान की मंडाई कर ली है उन्होंने पुआल को इस तरह से पेड़ों पर लटका रखा है ताकि ये बारिश में भीगे बिना, और भीग भी जाए तो पानी आसानी से निकल जाता है क्योंकि ऊंचाई पर रखे हुए हैं और धूप में अच्छी तरह से सूख जाते हैं। वैसे तो माँ बता रही थी कि जो धान की मंडाई के लिए जो हम कनका लगाते हैं जिसके बाद मंडाई करते हैं, बता रही है कि सुअर ने उसे पूरा उखाड़ कर रख दिया है और पूरा बर्बाद किया हुआ है। तो देखते हैं जितना भी होगा उसे घर तो लाना ही है। तो ये है काफी बड़ा सा तुन का पेड़ जिसे काफी साल हो चुके हैं, लगभग 100-150 साल पुराना ये पेड़ होगा। जब हम स्कूल जाया करते थे तो यहाँ पर बैठते थे छाया के लिए, तो आज इसको देख के फिर से स्कूल की याद आ गई है। तो जब हम स्कूल जाते थे तो धूप लग जाती थी तो इस वाले पेड़ के नीचे हम बैठ जाते थे काफी देर और यहाँ से फिर स्कूल के लिए चले जाते थे। तो यहाँ पर आज आके स्कूल के दिन याद आ गए हैं। लोगों ने धोतियां लगा रखी हैं, इसलिए लगा रखी हैं कि जंगली जानवरों को भगाने के लिए इस प्रकार से लगाए जाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरे यहाँ से बांधकर और इस पेड़ तक इसे बांध दिया गया है। यहाँ से नीचे जाना है मुझे अपने खेत के लिए। तो सामने आपको जो वो खेत दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला और एक ये नीचे वाला खेत, ये दोनों खेत हमारे हैं। तो हमें इस पुलिया को पार करके पहुंचना है अपने खेत में। भाभी पहले आ गए हैं तो इसलिए वो खेत में पहले पहुंच चुके हैं। बारिश के कारण पूरे रास्ते में फिसलन बनी हुई है जिसमें काफी संभल के चलना पड़ता है, वरना आप फिसल जाओगे। तो आप देख सकते हैं पूरे पुल में भी पूरी फिसलन बनी हुई है। तो ये है हमारा खेत जिसमें आज मैंने मंडाई करनी है और आज शायद फाइनल हो जाएगा मंडाई का काम। कल रात सुअर ने पूरा ये धान का जो कुनका था उसे पूरा उखाड़ कर इस प्रकार से फैला दिया है। देख सकते हैं कि पूरा इस तरह से बर्बाद कर लिया है। तो जंगली जानवरों से काफी परेशान हैं लोग, ये जैसे ही मौका मिलता है तो ये पूरा इसको उखाड़ देते हैं और इस तरह से पूरा, ये देख सकते हैं पूरा धान चबा चबा के इन्होंने ऐसे फेंक रखा है। इस प्रकार से इन्होंने पूरा फैला कर रखा है। तो कल रात सुअरों ने इसको पूरी तरह से बर्बाद कर लिया है। अब हाल ये है कि अब पहले धान को इकट्ठा करना पड़ रहा है और उसकी हल्की हल्की पुलियां बनानी पड़ रही हैं और उसके बाद इसको इकट्ठा करके मारना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने सारा बर्बाद करके रखा हुआ है।
ये देखो इस प्रकार से पूरा धान खेतों में इस प्रकार बिखरा पड़ा हुआ है, पूरा उन्होंने उसको झाड़ के ऐसे ही बर्बाद कर लिया है। तो सामने से माँ भी आ गई है खेत में। छोटी सी तितली मेरे घुटने में बैठी हुई है, ये देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। तो आज का जो धान था वो बस इतना ही निकला है, क्योंकि सारा बर्बाद करके रखा हुआ था जंगली सुअरों ने। तो फाइनली इस साल की जो मंडाई वाला काम था वो आज हमारा पूरा हो गया है। 3 कुनके लगे हुए थे वो हमने आज पूरे मांड लिए हैं। ऊपर वाला तो कम्प्लीटली जंगली जानवरों ने बर्बाद कर रखा था। तो फाइनली जो जितना भी था आज हमने कम्प्लीट कर लिया है। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।